वेलकम टू एजुकेशन एंड योर होम। तो आज हम साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है इज मैटर अराउंड अस क्लॉक। ठीक है, ये नाइन्थ का सेकंड चैप्टर है साइंस का। आज नेक्स्ट हमारा फैक्ट डेट मैटर, यानी मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्ट डेट मैटर। मैटर दो तरह के देखे जाए तो प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, एक तरह केमिकल फॉर्म में, उसके बाद हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस दो तरह के, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो होते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस, क्योंकि वो ब्रोक नहीं होते हैं। कहते हैं जो एलिमेंट है, जैसे इसका एग्जांपल कॉपर, वो ऑक्सीजन हुआ, ये कहते हैं बहुत ही सिंपल, ब्रोक नहीं होगा कहते हैं ये सिंपल सब्सटेंस में। अब कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड तो आपसे नाम से पता लग रहा है कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन यानी कुछ इस चीज में जुड़ रही होगी। कंपाउंड है फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी सब्सटेंस ब्रोक हो जाए केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, यानी पानी है, सुगर है, सॉल्ट है, इस तरीके से। अब इनका सब्सटेंस की बात करें, मिक्सर की बात करें, तो होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, शुगर प्लस H2O, शुगर प्लस H2O घुल जाएगा, वाटर प्लस एल्कोहल घुल जाएगा, या नॉन नाइट्रोजन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसमें। सैंड और शुगर को मिलाएंगे तो क्या कहते हैं नहीं घुलेगा, वाटर ऑयल को मिलाएंगे तो वो भी नहीं घुलेगा। इस तरीके से हमारे मैटर के फैक्ट है कुछ। नेक्स्ट हम बात करें एलिमेंट, तो एलिमेंट हमारे तीन तरह के होते हैं, मेटल, मेटलाइज एंड नॉन मेटल। ठीक है, टेंथ में हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो मेटल जो होता है वो मैलियर होता है, डक्टाइल होता है, वो कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी, ये इसको एक तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मैली वाले डक्टाइल है, वो कंडक्ट ऑफ हीट है। इसके जो एग्जाम्पल है वो कॉपर, गोल्ड, आयरन, इस तरीके से मेटल के एग्जाम्पल है। मेटल जैसे आप सिंपल है वैसे कहते हैं मेटल भी। मेट्रोइड्स की बात करें तो मेट्रोइड वो है जो कहते हैं बीच का दरिया, बीच का कहते हैं, यानी उसको कहेंगे वो नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। इसके एग्जाम्पल सिलिकॉन और बोरोन है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की आप बात कर लो तो जैसे गैस वगैरह होती है सारी हमारी नॉन मेटल होती है, तो ये नॉन मेलेबल होती है और नॉन डक्टाइल होती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है सब सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो गैस होती है वो सारी कहते हैं नॉन मेटल। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़िए। तो जो कंपाउंड होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था टेबल में, वो प्योर सब्सटेंस होता है बिल्कुल, और ये मेड बनता है क्या कहते हैं दो और मोर एलिमेंट को जब हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें H+O2 को हम कंबाइन करें तो H2O बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड होता है, ये दो किसी को केमिकली अटैच करने से या कंबाइन करने से जो रिएक्शन करेगा उसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसका एक डेफिनेट रेशियो होता है, इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है कंपाउंड का। होमोजेनियस सब्सटेंस होता है यूनिफॉर्म, जो हमने जैसे कि लास्ट टाइम टेबल में देखा था। कॉन्सिक्वेंट एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, यानी कि जैसे H2O है, इसको अगर हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस है H+O2 में बदले तो इस तरीके से भी हो जाएगा, यानी कि कॉन्सिक्वेंट एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। इस तरीके से कंपाउंड के बारे में आगे इसका 10th क्लास में तो चैप्टर भी है कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। और बात करते हैं मिक्सर की, तो मिक्सर की मैंने बताया था कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि ऑयल प्लस वाटर मिला दिया। ठीक है, इस तरीके मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दो तीन एग्जांपल थे। तो ये दो और उससे ज्यादा एलिमेंट को कंपाउंड को क्या कहते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस होता है, मिक्सर हमने पढ़ा था, तो इम्प्योर सब्सटेंस भी होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस भी होते हैं कहते हैं। और कोई भी नॉन न्यूल कंपाउंड इज फॉर्म, कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस से कहते हैं, हम बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, ना इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ऑयल प्लस वाटर होगा तो कोई भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि ये ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी है, उसमें ड्रॉप ऑफ कलर लगाएंगे, जैसे कि ये चेंज हो गया कलर, चेंज हो जाएगी हमको यहाँ मिक्स हो गया ये पूरा, तो जैसे वाटर था वाटर में हमने कलर मिला कलर चेंज हो गया, इस तरीके से मिक्सर का एग्जांपल हो गया। ठीक है,
यही हमारा प्योर और इम्प्योर इसको हम कहते हैं, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया ठीक है, जो होमोजीनियस में हेट्रोजीनियस पड़ा था, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इस तरीके से हमारे कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़िए जैसे फिजिकल और केमिकल चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है। फिजिकल में होता है नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ठीक है, नो कोई सब्सटेंस क्या है फॉर्म नहीं होता है, कोई भी नया सब्सटेंस ठीक है। केमिकल में फॉर्म होता है ठीक है, चेंज डज नॉट इन्वॉल्व लूज और गेन ऑफ इट ठीक है, जो चेंज होता है वो क्या है गेन नहीं करता है। दिस चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, ये चेंज रिवर्सिबल हो सकता है ठीक है, ये चेंज रिवर्सिबल होता है। लॉस और गेन ऑफ मे बी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन ठीक है, इस तरीके से इसका लॉस ऑफ हीट मे बी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, यानी जो हीट है वो इन्वॉल्व हो सकती है रिएक्शन में। इसी अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो जैसे ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल को हम क्या कहते हैं ब्रेक करते हैं बीच में से, तो क्या कहते हैं फिजिकल चेंज होता है। आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, क्योंकि आइस अगर मेल्ट हो रही है ये भी फिजिकल चेंज है। अब बात करते हैं हम क्या कहते हैं केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज की बात करें तो हम क्या कहते हैं बर्निंग, बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी को जलाना, जो हम लकड़ी जलाते हैं क्या कहते हैं उसको कहते हैं केमिकल चेंज बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड होता है डाइजेशन ऑफ केमिकल चेंज होता है ठीक है। मेकिंग ऑफ एग्स, एग्स बनाना ठीक है, और क्या कहते हैं बेकरी, बेकरी में वो बनता है बेकरी केक वगैरह ठीक है, इस तरीके से केमिकल चेंज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में कौन टॉपिक ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ठीक है। होमोजेनियस टू और मोर सब्सटेंस, होमोजेनियस हमने पढ़ाई है पिछले टेबल में जो हमने आया था फ्लो चार्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन में तो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट ठीक है, तो सॉल्यूट जो होता है सब्सटेंस दिस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट है कि वो डिजॉल्व हो जाए सॉल्वेंट का, इसमें मोस्टली क्या है कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ठीक है। इसका एग्जांपल सॉल्ट और शुगर हो गया यानी कि चीनी, चीनी और नमक हो गया ठीक है। सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड से गैस भी हो सकता है ठीक है, सॉलिड हमारा ये तीनों भी हो सकते हैं। सॉल्वेंट क्या है लिक्विड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन दिस सब्सटेंस इज डिजॉल्व, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है यानी वाटर होता है उसमें डिजॉल्व हो जाए, वाटर हुआ कहते हैं उसके बाद कोई भी लिक्विड लिक्विड हुआ कहते हैं उसमें जो डिजॉल्व हो जाए। सॉल्वेंट कैन बी लिक्विड सॉलिड और गैस, ये भी ये हो सकता है सॉल्वेंट कैन बी लिक्विड लिक्विड सॉलिड और गैस ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नो एक्यूअस सॉल्यूशन होता है, एक्यूअस सॉल्यूशन में मोस्टली रिएक्शन देखने को मिलेगा जैसे इसको हम एक्यू से डोट करेंगे ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है वाटर इज एक्वस सॉल्वेंट, वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। इसका हम एग्जांपल देखें तो सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स करेंगे तो घुल जाएगा, यानी जो घुल जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात करें वाटर, वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट नहीं होता है। तो सल्फर प्लस कार्बन का हमने लिया तो सल्फर आयन बन जाएगा, इसमें कहते हैं। अब थर्ड की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन होता है सॉलिड पार्ट इज कंप्लीटली डिजॉल्व, यानी कोई भी सॉलिड पार्ट है वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाए, कहते हैं तो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए विजिबल ना हो ठीक है। एग्जांपल देखा सोडियम प्लस वाटर को, सोडियम प्लस वाटर को जब क्या कहते हैं मिक्स करेंगे तो वो अलग ही बन जाएगा, कहते हैं उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। सोडियम प्लस वाटर हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर ले लो सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, इस तरीके से क्या कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन होगा। और बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ये भी टाइप्स है सॉल्यूशन के ठीक है। जब सैचुरेटेड है वो कहते हैं सैचुरेटेड पानी, एक तरह पानी इसको पार्शियली मानो या पार्शियली वाटर हो या फुली वाटर, ये कुछ फॉर्मूले कहते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू 100। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ठीक है। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, वही रहेगा मास ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू 100 ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। उसके बाद में हम कहते हैं मेजर करते हैं तो उसका ये सॉल्यूशन कंटेंट 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 30 टू 320 ग्राम वाटर,
calculates the concentration on in terms of mass by mass percent of homogeneity. इसके बाद ये हमें पूछा निकालने को, ठीक है? तो इसमें देखो हम कहते हैं mass of solute है जो हमारे पास है, कहते हैं 40 ग्राम, और mass of solvent हमें दे रखा है, mass mass of solvent दे रखा है हमें, कहते हैं 32 ग्राम। अब हमें क्या करना है, mass of solute हमें मिल जाए, ठीक है? तो mass of solution देखते हैं, mass of solution निकालेंगे तो mass of solution, ठीक है, mass of solution होता है mass of solute प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 40 प्लस 320 यानी कि 360, ठीक है, 360 ग्राम। और फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करें, तो फॉर्मूला में हम पुट करें क्या कहते हैं, तो 40 डिवाइड 360 इंटू 100, ठीक है? तो हम इसको करेंगे तो 11.1% हमारा मास परसेंट का सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस तरीके से हम नंबर को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही कहते हैं कि कोई भी आ जाए तो बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सस्पेंशन ऑफ पोलराइज्ड सॉल्यूशन, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? सस्पेंशन की बात करें तो कहते हैं सस्पेंशन जो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल होता है वो विजिबल होता है, यानी उसको हम आंख से देख सकते हैं, ठीक है? और टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है? टिंडल इफेक्ट अभी बताएंगे क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है उस सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन आते हैं, यानी कि सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन यानी कि ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है? ये सॉल्यूशन है, ठीक है? इसमें वाटर है, ठीक है? अब सॉल्यूशन है, जैसे हम कुछ भी कहते हैं मिक्स करें, यानी कि हमने क्ले मिक्स की, तो क्ले को देखना कि वाटर तो रहेगा रहेगा, जो कुछ पार्टिकल होंगे क्ले के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है? और कुछ टाइम के लिए छोड़ दे तो क्ले नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो इसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है? सस्पेंशन बोलते हैं। अब बात करें पोलराइज सॉल्यूशन की, तो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल नॉट विजिबल इन नेक्ड आई, यानी कि पोलराइज सॉल्यूशन हम कहते हैं नेक्ड आई से हम पार्टिकल का साइज नहीं देख सकते हैं, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो कहते हैं पोलराइज सॉल्यूशन पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं, कहते हैं नीचे, तो ये पूरा टोटली टिंडल इफेक्ट पर बेस है, ठीक है? इसका जो एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट में होता क्या है कि कोई भी ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कोई भी ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है? ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी ट्रू सॉल्यूशन है, तो यहां पे ये हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन है, ठीक है? यहां से एक बीम ऑफ लाइट जाएगी, इसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं, इस जगह टॉर्च मॉडल बना लेते हैं, ये कहते हैं बीम ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है? लाइट होगी, यहां क्या होगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन में होगा यहां बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल होगी, बीम ऑफ लाइट होगी वो विजिबल नहीं होगी, ठीक है? विजिबल नहीं होगी, विजिबल नॉट, ठीक है? यहाँ पे कोई जैसे यहाँ से कोई भी टॉर्च लोग कहते हैं टॉर्च से हम लाइट डालेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाई देगी, लेकिन कोलाइडर सॉल्यूशन होगा उसमें इस तरीके से कहते हैं बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी, ठीक है? बीम ऑफ लाइट विजिबल, तो बीम ऑफ लाइट विजिबल होगी, क्या कहते हैं कोई भी कोलाइडर सॉल्यूशन होगा। अगर बीम ऑफ लाइट विजिबल होती है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि क्या कहते हैं कोलाइडर सॉल्यूशन है वो, और नहीं होती है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी क्या कहते हैं बीम ऑफ लाइट शो नहीं होती है, बीम ऑफ लाइट नहीं शो होती है। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको नोट्स नीचे लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू।